हनुमान जन्मोत्सव पर सिविक सेंटर चौक में मुस्लिम समाज द्वारा आपसी भाईचारे और सद्भावना का परिचय देते हुए शरबत वितरण किया गया। हनुमान जन्मोत्सव पर निकली शोभा यात्रा में शामिल सभी हनुमान भक्तों को मुस्लिम समाज के द्वारा शरबत वितरण किया गया। इस्पात नगरी भिलाई में सभी धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। इस मिनी इंडिया कहलाए जाने वाले इस्पात नगरी में वो नज़ारा और भी अच्छा लगता है और मनमोहक लगता है और अपनी ओर आकर्षित भी करता है, जब दिगर धर्म द्वारा आपसी भाईचारे से पर्व में हिस्सा लिया जाता है। जी हाँ, पवन पुत्र हनुमान के जन्मोत्सव पर ऐसा ही मनमोहक नज़ारा सिविक सेंटर चौक में देखने को मिला, जब हनुमान जन्मोत्सव पर निकली शोभा यात्रा का स्वागत मुस्लिम समाज द्वारा किया गया, साथ ही शरबत का वितरण भी किया गया। इस पाक रमजान के महीने में मुस्लिम रोजेदार भाइयों ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकली शोभा यात्रा का स्वागत किया, शुभकामनाएं दी और शामिल हनुमान भक्तों को मीठे शरबत का वितरण किया। समाज के लोगों द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया दी गई है। यह मिनी इंडिया, मिनी इंडिया के नाम से आज भिलाई सच में मिनी इंडिया के मुस्लिम समाज हिंदू समाज मिलकर के अनेकता में एकता का प्रतीक दे रहे हैं, एक सौहार्दपूर्ण एक जुलूस को बना रहे हैं, त्यौहार को मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, एक भाईचारे का प्रतीक है ये, और आने वाले समय में यूँ ही हिंदू समाज मुस्लिम समाज मिलकर के सारे रैलियों को सारे त्यौहारों को बनाएंगे। आज हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आज हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, आज हम यहाँ पे इस सिविक सेंटर चौक में हमारे हिंदू भक्त भाई लोगों के लिए यहाँ पे जलपान का और खाने का व्यवस्था की गई है, और हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से हमारे पूरे हिंदू भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई परिचय देंगे। आज भिलाई के मुस्लिम समाज के युवा वर्ग के जितने युवा हैं, उन्होंने हर साल की तरह हम पिछले कई वर्षों से लगातार जब शिवरात्रि की यात्रा निकलती है या हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है तो हम हमेशा अपना शरबत का वितरण और सेवा भाव से हम अपने हिंदू भाइयों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जब जब भिलाई में कोई भी प्रोग्राम होता है, आप जानते हैं कि भिलाई मिनी इंडिया है, यहाँ सभी वर्ग और सभी समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं, तो हम एक सद्भावना के भाव से यह कार्य करते रहते हैं। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती के रूप में यहाँ शोभा यात्रा निकलती है और हमारे हिंदू भाई बढ़ चढ़कर उस शोभा यात्रा में हिस्सा लेते हैं, तो हम उनके सेवा भाव के लिए यहाँ पर शरबत का, खिचड़ी का, पोहे का और पानी का इंतजाम करते हैं, ताकि हमारे भाइयों को थोड़ा खुशी हो। और हम लोग भी, आज रमजान का महीना चल रहा है, हमारे खुदा ने कहा है कि रमजान में जो भी सेवा करेगा, अगर एक सेवा एक पुण्य का काम करेगा तो जो 70 पुण्य का काम होगा, तो वैसे ही हमारे हिंदू भाई भी सेवा भाव में लगे हुए और हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुस्लिम समाज के युवा साथ चल रहे हैं। वही शामिल हनुमान भक्तों ने भी समाज के इस प्रयास की प्रशंसा दिल से की है। हाँ। जय श्री राम। सबसे पहले तो ये सब इधर कैसे देखते हैं मुस्लिम भाई लोग अपने लिए आज इस त्यौहार के रूप में जो भव्य रैली निकल रहा है, शोभा यात्रा निकल रहा है, ये उनके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की, एक साथ मिलके उन लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। तो हाँ, अब हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है, ये देख के हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग के भिलाई का जो ये गंगा जमुनी तहजीब है, उसको वो देख के बहुत, मतलब बहुत ही दिल से बहुत ही खुशी हुई। मैं आई देखी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहरहाल, आपसी भाईचारे के साथ शामिल लोगों ने देश व दुनिया में भाईचारा रहे और चैन अमन की दुआएं रहे, इसकी दुआएं दिल से की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।